Friends, my name is Vivek. In this particular video, we will be discussing about FIEM, that is Future Institute of Engineering and Management, and the Korea and the Sonarpur branch. तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब. आई नो गाइज, बहुत ही कम व्यूज़ आ रहे हैं, इवन आई डोंट केयर. प्रीवियसली आई यूज टू बी, सो डोंट निगलेक्ट बिजनेस. एक बहुत ही अच्छा कमेंट आया था. सो अब बात करते हैं दोस्तों कि FIEM जो सोनारपुर की कॉलेज है, वो बेसिकली बहुत ही पुरानी कॉलेज है, और जो कंपेरेटिवली अगर आप गड़िया वाला कॉलेज देखें, दैट इज़ द न्यू वन. और साथ में अगर हम बात करें तो सोनारपुर के अंदर जो कैंपस है वो काफ़ी बेहतर है, और इसके साथ साथ जो उसमें स्टूडेंट्स है वो काफ़ी ज़्यादा आपको एलुमनी देखने को मिलेंगे. बट हाँ, मैं बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूँ जो सोनारपुर में पढ़ते हैं, और FIEM का जो सोनारपुर का ब्रांच है उसको ज़रा सा रेप्यूटेशन भी मिलता है. बट हाँ, गड़िया वाली जो ब्रांच है वो अभी नई है, और अगर आप उनके वेबसाइट और ये सारी जगह पर देखेंगे तो कुछ कोर्सेज सोनारपुर में अभी अक्रीडिएटेड भी हो गए हैं. तो इसके साथ साथ जो है, इसमें आपको हॉस्टल फॉस्टल सोनारपुर के आसपास देखने को मिलता है, क्योंकि कॉलेज पुराना है. गड़िया में अभी भी स्टेबिलिटी आने की समय है, और गड़िया के लिए वो लोग बहुत ही बेहतर कैंपेन चला रहे हैं और काफ़ी बच्चों को ज़बरदस्ती घुसा रहे हैं. इसके लिए आप लोग को इस पर्टिकुलर कॉलेज के बारे में पता चल रहा होगा. इसके साथ साथ बात करें इनकी प्लेसमेंट्स की, तो दोस्तों प्लेसमेंट जो है अभी सोनारपुर की ओके है, और बहुत सारे बच्चों को, कुछ कुछ बच्चों को 6 लाख 7 लाख लग जाती है. अगर आप देखें तो अभी पता नहीं 2022 का क्या प्लेसमेंट था, क्योंकि 2022 में एक IT बूम आया था, और इस साल देखिए मेरी समय जब आई तो रिसेशन आ गया. इस साल मतलब समय खराब है दोस्तों, चोकिंग. इसके साथ साथ 2021 की बात करें तो दोस्तों हाईएस्ट पैकेज 6 लाख था, और यहाँ पर बात करें दोस्तों गड़िया की, तो उसकी बात ही ना करें तो बेहतर है, क्योंकि इस पर्टिकुलर कॉलेज में उतना बेहतर प्लेसमेंट नहीं होता. और अरे यार, तो दोस्तों इस तरीके से आप जज कर सकते हैं. इसके अलावा मैं एक और बात बताऊँ कि एवरेज पैकेज इनका हमेशा 3 लाख से भी कभी कभी कम रहता है, कभी कभी ऊपर रहता है, बट ओवरऑल में एवरेज प्लेसमेंट हर ब्रांच में नहीं होता. अगर किसी तरीके से आपको इसका मेन CSE ब्रांच मिल जाता है या फिर क्लोज टू IT मिल जाता है, तो ओवरऑल में इस पर्टिकुलर कॉलेज में अपनी पढ़ाई कर सकते हैं. इसके साथ साथ जो है सोनारपुर की जो मेन CSE है उसका डिमांड भी रहता है मार्केट में, और इसके लिए जो आपको समझ में आता है कि कुछ प्राइजेस भी रहते हैं मैनेजमेंट कोटास के द्वारा, बट दूसरे सारे कॉलेजेस में आप ऐसे भी एंट्री ले सकते हो. तो ओवरऑल में बात करें दोस्तों, तो कैंपेन के ऊपर ही अभी भी कॉलेज चल रही है, दूसरे ब्रांचेस में उतना बेहतर नहीं हो रहा है. और इसका प्रूफ आप लोग पार्टिसिपेशन कॉलेजेस के, जो आपको मैं लिंक पे भेजता हूँ, उस लिंक में आपको पूरा इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगा. अब बात करते हैं कट ऑफ्स की, तो दोस्तों हाँ, इसके कॉलेज में जो कट ऑफ है मेन CSE का 20,000 के करीब रहता है, बट इसके अलावा दूसरे ब्रांचेस में आप ECE तक में तो 35,000-40,000 में भी एंट्री ले सकते हो. ओवरऑल में बात करें तो प्लेसमेंट दोस्तों आपके ऊपर डिपेंडेंसी रखता है इस पर्टिकुलर कॉलेज में. अगर आप बेहतर करेंगे और बेहतर अपॉर्चुनिटी लेंगे तो हाँ, मास रिक्रूटर में होने के चांसेस होते हैं. और इवन मास रिक्रूटर्स ने अभी बहुत सारा एक नया स्कीम लेके आए, जिनमें 6-7 LPA भी मिलता है अगर आप बहुत ही बेहतर हैं कोडिंग में. तो ऐसी सारी चीज़ें हैं इस पर्टिकुलर कॉलेज के बारे में. वीडियो पसंद आए, इन्फॉर्मेटिव लगे, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब, साथ में हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम में फॉलो कर सकते हैं. टेलीग्राम में अभी मैं एक्टिव हो गया हूँ, और बहुत सारे आपको इंटर्नशिप्स और ये सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन देता हूँ. आप लोगों को काम अभी नहीं भी आ सकता, तो भी आप इसमें देख के ये चीज़ जान सकते हैं किस चीज़ का डिमांड है और क्या हमें पढ़ना चाहिए.